हेलो स्टूडेंट्स, आज असी चैप्टर 6 कंटिन्यू करांगे कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट टाइम मैं तुहानू दस्सिया सी हाउ टू कंट्रोल फायर, जां असी फायर एक्सटिंगशर्स बारे रीड किया सी, स्टडी किया सी, और अज असी करांगे कंबशन दीआं टाइप्स। कंबशन तुहानू पता ही है कि किसी भी सबसटांस की बर्निंग नू असी बोलदे आं कंबशन। सो अज असी इस दीआं टाइप्स करांगे, टाइप्स ऑफ कंबशन। फर्स्ट टाइप इज़ रैपिड कंबशन। रैपिड जिवें कि तुहानू नेम तो ही पता लग रहा है, बहुत ज़्यादा रैपिड मीनस स्पीड, जिसकी बहुत ज़्यादा जल्दी जिहड़ा काम हो जाता होवे उसनू कि असी बोलदे आं रैपिड। सो रैपिड कंबशन की होई, इमीडिएट बर्निंग होएगी, इहदे विच जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ सैकेंड्स के विच ही जिहड़ा कोई भी चीज़ है वो कि बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। सो रैपिड कंबशन की डेफिनेशन की है, रैपिड कंबशन दैट कंबशन विच टेक्स प्लेस एट वेरी फास्ट रेट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। सो रैपिड कंबशन कही है, एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड दे विच अक्कर हुंदी है, और की है हीट एंड लाइट की बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच प्रोड्यूस करती है, बहुत जल्दी हीट एंड लाइट की है रिलीज़ हुंदी है। इहदे विच की होएगा, इमीडिएट बर्निंग है, जिवें कि तुसी अपने कुकिंग गैस आ जिहड़ी असी किचनस दे विच यूज़ करदे आ LPG गैस, उहदी बर्निंग की है, इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस और इमीडिएट बर्निंग ऑफ कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल नूं भी असी यूज़ करदे आ, जिथे असी बहुत जल्दी मतलब बर्निंग स्टार्ट करानी आ उत्थे भी असी कैरोसिन ऑयल नूं यूज़ करदे आ। सो इहदियां होर भी एग्जाम्पल्स ने रैपिड कंबशन दीआं, जिवें बर्निंग ऑफ ड्राई ग्रास हो गया, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ मैगनीशियम रिबन और फायर। ये सारे एग्जाम्पल्स ने रैपिड कंबशन दीआं। सो रैपिड कंबशन दे विच की हुंदा है, बहुत ज़्यादा जल्दी बर्निंग प्रोसैस स्टार्ट हो जाती है और बहुत लार्ज अमाउंट दे विच साडे कोल की हीट एंड लाइट की प्रोड्यूस हुंदियां ने। अब सैकेंड टाइप ऑफ कंबशन इज स्पोंटेनियस कंबशन। स्पोंटेनियस कंबशन की है, एक या ऑन द स्पॉट हुंदी है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। इहदे विच सानू कोई भी एक्सटर्नल हीट की लोड नहीं पैंदी, ये बहुत इमीडिएटली और ऑन द स्पॉट मीनस जल्दी जल्दी की है पकड़ लैंदी है कंबशन। सो स्पोंटेनियस कंबशन की है डेफिनेशन, दैट कंबशन विच अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, इट इज़ नॉन एज स्पोंटेनियस कंबशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोंटेनियस कंबशन आर ड्यू टू स्पार्कल ऑफ लाइट फ्रॉम स्काई, के जिमें नैचुरल डिजास्टर्स ने, जिमें बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग आ जाती है समटाइम्स, तो की होंगे कि वो जोड़ा कुछ स्पार्कल्स आ की है अर्थ पर आ जाने, और अर्थ तो अर्थ पर आ कर दें कई जगह पर की आ बर्निंग करना स्टार्ट कर दिंदियां ने, उहदे नाल की आ कुछ चीज़ा की जल जांदियां ने। सो ये की है स्पोंटेनियस कंबशन, के बहुत ज़्यादा स्पीड दे विच कोई स्काई तो की आ लाइटनिंग आई और उहदे नाल की साडी अर्थ ते लाइट सॉरी बर्न कोई भी चीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। और सैकेंड एग्जाम्पल की है वाइट फॉस्फोरस बर्न एट रूम टैंपरेचर इन एयर। वाइट फॉस्फोरस की है, फॉस्फोरस एक एलीमेंट है जिहड़ा कि जिन्हों असी रूम टैंपरेचर ते जां एयर दी प्रेजेंस दे विच जदों भी वो एयर दे कॉन्टैक्ट विच आ जाता है तो बहुत जल्दी की बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। सो उन्हों एक अलग अलग मैथड नाल उन्हों की कैप्ट करके रखा जाता है, क्योंकि वो एयर दी प्रेजेंस दे विच की करता है बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी एग्जाम्पल्स कह दियां से स्पोंटेनियस कंबशन दियाँ। अब थर्ड टाइप ऑफ कंबशन इज स्लो कंबशन। स्लो कंबशन इज़ दैट कंबशन विच टेक्स प्लेस एट वेरी स्लो रेट। ये बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड दे विच हुंदियां ने। सो स्लो कंबशन इज़ दैट कंबशन विच टेक्स प्लेस एट वेरी स्लो रेट विद द स्टैडी प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये की है बहुत ज़्यादा स्लो रेट के नाल होएगा और ये बहुत घट अमाउंट दे विच जिहड़ी हीट प्रोड्यूस होएगी। सो स्लो कंबशन दे विच एग्जाम्पल्स की ने, फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग आयरन नूं जदों भी मतलब रस्ट लगन की जिहड़ी प्रोसैस आ होगी बहुत ज़्यादा टाइम लैंदी है। सो एक इहदी टाइप होगी स्लो कंबशन की एग्जाम्पल होगी। और सैकेंड एग्जाम्पल ये आ सकती है ब्राइट शाइनिंग सरफेस ऑफ कॉपर बिकमिंग डल। और जिहड़ा कॉपर मैटल आ साडे कोल ओह भी की आ टाइम दे नाल ज्यों ज्यों टाइम चेंज हुंदा है टाइम दे नाल की उहदी शाइनिंग जिहड़ी नेचर आ ओह की आ डल हो जाती है। वैसे वह शाइनिंग हुंदा है बट टाइम दे नाल की आ वह डल होना स्टार्ट हो जाता है, मीनस उहदी शाइन नहीं रहिंदी हैगी। सो ये की आ हो गया स्लो कंबशन विच टेक्स प्लेस एट वेरी स्लो रेट और ये की बहुत घट अमाउंट दे विच हीट प्रोड्यूस हुंदी है। अब नैक्सट इज टॉपिक इज एक्सपलोजन। एक्सपलोजन की है, एक ये भी टाइप है कंबशन की, असं इसनों कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन। एक ही
एक सडन कंबशन है, बहुत जल्दी मतलब एक अचानक कंबशन होने वाली असीं प्रोसैस नूं की बोलते हैं एक्सपलोजन। अ सडन कंबशन विच प्रोड्यूसिज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। अचानक होने वाला कंबशन जिस दे विच बहुत वड्डी मात्रा दे विच की प्रोड्यूस हुंदा है हीट एंड लाइट दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच और बहुत जल्दी जड़ा प्रोड्यूस हुंदा साडे कोल। सो इहदे विच एग्जाम्पल्स ने जिवें तुसीं ले सकदे हो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स पटाकियां दा फटना जिहड़ा ओह वी की टाइप है, बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सपलोजन दी। एक्सपलोजन दे विच की होएगा कि एक्सप्लोड्स मीनस कुछ चीज़ा जिवें कि क्रैकर्स दे विच भी जिहड़ा कुछ असीं डेंजरस कैमिकल्स यूज़ करते हैं जिहड़े कि बहुत जल्दी फट जाते हैं, एक्सपलोड हो जाते हैं जल्दी और वह की करते हैं हीट ते हीट एंड लाइट नूं प्रोड्यूस करते हैं। सो बस्टिंग ऑफ क्रैकर हो गई ये एग्जाम्पल्स एंड होर की हो गया द सेम टाइप ऑफ कंबशन इज़ यूज फॉर एक्सप्लोडिंग रॉक्स एंड माउंटेन्स फॉर मेकिंग रोड्स एंड द होर की हो गया कि माउंटेन्स के असी जदों रॉक्स नू असी एक्सप्लोड करना है उसदे विच भी असी कुछ एक्सप्लोजन यूज़ करते, कुछ एक्सप्लोजिव यूज़ करते, एक्सप्लोजिव विस्फोटक मीनस कुछ कैमिकल्स यूज़ करते असी जिन्हां नू एक्सप्लोजिवस कहने हैं। मोस्टली असी केड़ा एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं डायनामाइट, डायनामाइट नाम का जिहड़ा एक्सप्लोजिव आ वह बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। सो उन्हूं कई जिहड़ा वा असी माउंटेन्स दे विच यूज़ करते हैं कुछ जां रॉक्स नू अपने तक मतलब रॉक्स नू निकालन लई एक्सप्लोड करन लई खोजन नू असी उस दे विच भी जिहड़ा डायनामाइट नाम का जिहड़ा एक्सप्लोजिव वह यूज़ किया जाता है। सो एक्सप्लोजन की है कि जिहदे विच बहुत अमाउंट दे विच हीट एंड प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस हुंदी है, नाल नाल इहदे विच जिहड़ा बहुत वड्डी मात्रा विच गैस भी प्रोड्यूस हुंदी है हीट ते लाइट दे नाल जिहड़ा गैस भी प्रोड्यूस बहुत जल्दी बहुत वड्डे अमाउंट विच प्रोड्यूस हुंदी है। सो अज असीं कीता टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर थ्री मेनली थ्री टाइप्स ही रैपिड स्पोंटेनियस एंड स्लो कंबशन एंड लास्ट वन असीं कीता एक्सप्लोजन जिहड़ी कि कंबशन की ही टाइप आ और बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच हीट ते लाइट प्रोड्यूस करती है और नाल नाल इहदे विच जिहड़ा कि है एक वड्डी मात्रा दे विच गैस भी प्रोड्यूस हुंदी है। सो बेस्ट एक्सप्लोजिव केड़ा है डायनामाइट। सो आवर नैक्सट लैक्चर इज़ ऑन टुमारो, थैंक यू।